आज हम लोग आए हैं लोहा घाट और मोनू भैया। हाँ हो मोनू गया भैया, आपका? हाँ हो गया। चलें तो यहाँ क्यों आए? चल रहे हैं, जरा घूमते हैं। होटल्स तो ले लें, होटल ले लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। दिमाग खराब है आपका? होटल नहीं लेना है हमने? मतलब आज रात को घूमना है, जागना है। लोहा घाट नाम सुना है ना मैं आपने? पिछले 3 दिनों से मैं सो नहीं पा रहा, आज भी आप जगवाओगे? क्यों, कहाँ पे? लोहा घाट सुना है नाम? मैंने सुना है लोहा घाट, एबट माउंट, हॉन्टेड प्लेस। ये वो तो नहीं है? एक चर्च जो उत्तराखंड में एक चर्च है और जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से फेमस है, एबट माउंट हॉन्टेड प्लेस। आप वहाँ लेके आए हो? आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे, रात भर जागना है हमें। मजाक कर रहे हैं। सुनो, मैं मैं रुका मजाक हूँ, नहीं कर रहा हूँ। सुनो, मैं रुका हूँ और दिमाग इनका खराब हो गया है आप चल लो ना। यार। ये ठीक है, आ जाओ, मैं चल रहा। ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरी वन। फाइनली वी डिड इट। और आप हालत देख सकते हो, ये है वाटर कैंस जो फोल्डेबल हो जाती है, और आप देख सकते हो बिल्कुल इसके अंदर ना स्नो जम चुकी है।
मतलब मैंने -10 डिग्री के कपड़े लिए थे, ये जो मैंने पूरा पहना हुआ है ये पूरा सूट है, स्नो सूट है ये पूरा, तो ये मैंने -10 डिग्री का लिया था। तो ऊपर से विंड भी चल रही है, तो यू नो विंड में और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो क्या करें यार, मज़ा आ गया। तो प्लीज़ यार जितने भी भाई लोग देख रहे हैं ना, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और यार शेयर ज़रूर करना, और जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब करो यार, आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है आपके लिए, ऐसे ऐसे एडवेंचर्स दिखा रहा है, तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बनता ही है ना। तो गाइस चलो मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, अभी मॉर्निंग है, बट क्या करो, ड्रोन शॉट मैंने कल लिया था, तो जब डॉबी कोड आया तो उसमें भी साफ लिखा रहा था कि 15 डिग्री टेम्परेचर तक आप इसको फ्लाई कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते, बैटरी भी बड़ी, सारी बैटरी ड्रेन आउट हो गई। अरे बड़ा मज़ा आ रहा है यार, bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. So guys, एक अलग ही एक्सपीरियंस है यार, मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। रात भर ठंड भी लगी, नहीं भी लगी, कोजी हो गया, सिर्फ 4 घंटे सोया मैं, करीबन 10:30 बजे मैं सोया था, 10:30-11 बजे के आसपास, और ठीक सही करेक्ट 2:30 बजे मेरी आँख खुल गई, और उसके बाद वो भी अचानक से इसलिए खुली क्योंकि बहुत ज़्यादा जानवरों की आवाज़ आने लग गई थी, और यू नो अपने दिल की हार्ट बीट भी ऐसे फील हो रही थी कि पूरी प्रॉपर सुनाई दे रही थी, इतनी शांति थी यहाँ पे। और क्या बताऊँ मैं आपको कि अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनूँ ना, वही मेरी हार्ट बीट मुझको ऐसा फील करा रही थी कि कोई मेरे लेफ्ट राइट में चल रहा है। तो कल मैंने बहुत कुछ सीखा और सच बताऊँ मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया, मतलब मेरे सामने इतने ऊँचे ऊँचे बर्फीले पहाड़ हैं, कैंपिंग की स्नो के अंदर, वो भी सोलो, और सुबह मॉर्निंग कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ, तो लाए मुझे मोनू भैया से, क्योंकि वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर बाद रुके हुए हैं। तो एक्चुअली अब काफ़ी सारे भाई लोग ये बोल रहे हैं कि मोनू भैया क्यों नहीं रुके, क्यों नहीं रुके, अब जो आप ये सारे कपड़े देख रहे हो ये सारे स्नो में सर्वाइव करने वाले कपड़े हैं, और इनमें भी मेरी हालत ख़राब हो गई, और प्लस मेरे पास काफ़ी सारा सामान था, तो उसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, सिर्फ टेंट और एक स्लीपिंग बैग लेने से ही काम नहीं हो जाता, हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। आप ये सोच लो मैं पूरी रात ऐसे ही सोया हूँ स्लीपिंग बैग के अंदर, तो आप सोच लो कि कैसे पॉसिबल है यार। अगर आप कैंपिंग करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने रिस्क पे कीजिएगा, मुझे देख के मत निकल जाइएगा, क्योंकि इसके लिए एक्सपीरियंस्ड होना ज़रूरी है। अगर इनकेस अगर आप निकल जाते हैं और बाई चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा इन चीज़ों का। आप देख लो इतनी ठंड है कि मैंने डबल ये पहने हुए हैं, तो आप सोच लो कितने, और इसे उतारते ही ना 2 मिनट में हाथ ऐसा ठंडा हो जाता है, उसे गर्म होने में फिर बहुत टाइम लगता है। सो गाइस पैकअप स्टार्ट करते हैं क्योंकि विंड बहुत ज़्यादा तेज चलने लग गई है और निकलना भी है, तो फटाफट पैक करते हैं। ऑल राइट, सो फाइनली हम लोगों ने कैंपिंग कर ली, और लास्ट मोनू भैया से चैलेंज हुआ था कि मैं स्नो कैंपिंग कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो फाइनली आई डिड इट। जहाँ मैं रुका था ये है मुनस्यारी का फॉरेस्ट,
डिवीज़न, अभी ये पूरा बंद पड़ा हुआ है क्योंकि स्नो की वजह से सब कुछ यहाँ पे ब्लॉकेज हो चुका है। तो यहाँ रुकने के लिए मैंने परमिशन लिया था कैंपिंग करने के लिए, और बकायदा जो उनकी फ़ीस थी वो भी पे की थी मैंने। तो अच्छे से रात कटी, सब कुछ हो गया। तो चलो निकलते हैं, बढ़ते हैं मोनू भैया की तरफ, क्योंकि मोनू भैया वेट कर रहे हैं हमारा। मैंने लॉक ही नहीं किए। तो सबसे पहले करते हैं पैनियर्स वगैरह को लॉक। अगर एक चाबी हो ना तो ज़्यादा बेटर है। बहुत ठंड है यार, 2 मिनट में कुल्फ़ी जम रही है, और यहाँ पे ना फ़ोन तो 2 मिनट में बाहर आती है, शट डाउन हो रहा है। बाय द वे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये चीज़ क्या है। ये चीज़ मेरा GPS माउंट है, और इसके अंदर मैंने फ़ोन लगाया हुआ है जिसके अंदर मैं गूगल मैप यूज़ करता हूँ। और काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि 2-2 मैप लगाने की क्या ज़रूरत है। इसके अंदर सिर्फ गूगल मैप मैंने डाउनलोड किया हुआ है जो ऑफलाइन चलता है, और कभी कभी वो हैंग हो जाता है, और मैं जब फंस जाता हूँ ना तब मैं इसके अंदर लाइव इंटरनेट चला के तब मैं इसके अंदर चलाता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और रही बात बूट्स की, तो बूट्स के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, जिंदा बच गया रात में। बच गया क्या? सब ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है, पैक करके बस अभी बाइक स्टार्ट करके निकला हूँ मैं। अच्छा सही होगी रात का? हाँ जी अगर आप निकल गई सही से। हाँ अरे बहुत सारे जानवर थे अंकल, 3 बजे मेरी मैं सो गया और मेरी आँख खुली 2:30 बजे। अच्छा। और उसके बाद तो भाई साहब हालत ख़राब, जानवरों की इतनी आवाज़ हद से जा रहा। अच्छा जी। हाँ मतलब ये हो गया कि अगर मैं मतलब आवाज़ भी करता तो मेरे पास आ जाते वो जानवर सारे। अच्छा। हाँ रात बड़ी सॉलिड कटी। परसों सुबह मैं वही बता उठ ही गया था उसी टाइम में 2:30 बजे, उसके बाद नींद ही कहाँ आई मुझे। हाँ फिर नींद कैसे आएगी? हाँ उन लोग मोनू जाएगा ना? हाँ वो लोग वहाँ वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, अच्छा हुआ नहीं रुके अंकल वो लोग, अगर रुक जाते ना तो वो लोग हो जाता काम खराब। वो हाँ वो लोग कुछ ना कुछ हो जाता अंकल, रात में ही निकलना पड़ता फिर हमें, क्योंकि मैंने -10 डिग्री के कपड़े खरीदे थे वो फेल हो रहे थे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है अंकल। मेरे नीज इतने ठंडे हो रखे नी गार्ड पहनने के बाद भी। ओहो मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा पेन हो रहा है ना क्या बताऊँ। रात को भी पेन हो रहा था, रीज़न ये था कि स्लीपिंग बैग में यार अपने को आदत है थोड़ा फैल के सोने की, और स्लीपिंग बैग में सीधा सीधा ही सोना पड़ता है, उसमें ना हम करबट ले सकते हैं बट नॉर्मल टेम्परेचर में, बट जितना टेम्परेचर कल रात को था ना भाई साहब हालत ख़राब हो गई। तो नेचर को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि जितनी सैलरी बोली उतनी ही मिलेगी, यहाँ तो एक्स्ट्रा भी दिया जाता है। ये लो तुम 5 डिग्री मांग रहे थे, हम तुम्हें 15 डिग्री देंगे। क्या सॉलिड लोकेशन है यार, मज़ा आ रहा देख के, एक नंबर। और कैंपिंग वहाँ की जाए पेड़ों के अंदर, ओए होए क्या मज़ा आएगा यार, पर रात में उतना ही डर लगेगा। ओ बेटे की जान क्या बात है, आराम से मेरे भाई, मेरे भाई आराम से, मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई और आराम से। अरे मेरे भाई थोड़ा आराम से चलो, क्या लोकेशन है, मज़ा आ गया, एक नंबर। वाटरफॉल गिर रहा है नीचे, ओ बेटे की जान मज़ा आएगा।
यार ये तार भी यहीं से जाने थे वरना डॉबी को फ्लाई करते यहाँ से। ओए होए एक नंबर, एक वाटरफॉल ये रहा, एक वाटरफॉल ये रहा। ओ माय गॉड पानी, ओए ओए पानी आ गया, क्या बात है यार। व्हाट अ प्लेस यार, रोड बिछाई का काम चल रहा है इधर और यहाँ तार कलर रोड़ी कैसे मिक्स की जा रही है और शहर में कैसे मिक्स की जाती है, मतलब नीचे आग लगा के देन उसको कोयले को जलाया जा रहा है, मतलब जो काम सिटी में ये चुटकी में हो सकता है यहाँ पे उस काम को चुटकी बजाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो गाइस स्टैंड का वो नीचे जो राइजर था वो निकल के गिर गया, पता था मुझे वो गिर जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती है, ऐसे निकल के गिर जाती हैं। ये लोकेशन है एकदम मस्त वाली, वहाँ वाटरफॉल है, नीचे रिवर जा रही है और यहाँ पे एक है कुदरत का करिश्मा, तो मोनू भैया ही बताएंगे क्योंकि यही लेके आए यहाँ पर। यहाँ पर है आपका गंधक का पानी, यार बोलेंगे सल्फर, सल्फर का पानी, यस, और वो ये पूरा पहाड़ सल्फर का है अंदर से। ओके छत्तीसगढ़ गया था भैया मैं, तो वहाँ पे भी ताता पानी नाम से एक जगह थी। अच्छा। तो वहाँ पे भी सेम ऐसे गर्म पानी निकल रहा था, बट कहीं कहीं गर्म था और कहीं कहीं तो आग वाला पानी था। अच्छा, उबलता हुआ, उबलता हुआ, इवन जो नलके थे ना नलकों में से भी एकदम उबलता हुआ पानी आ रहा था वहाँ पे, सेम वही स्मेल आ रही थी जैसे वहाँ आ रही थी, बट वहाँ ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो डेट मीन्स कि वहाँ पे ज़्यादा होगा सल्फर। नहीं एक्चुअल में ये पानी सरवाइव करके आ रहा है, इतना जल्दी ट्रैवल करके आ रहा है। ओके तो वो वैसे जितना भी जो गंदक की जो मेन खुशबू है वो पहले उड़ गई और टेम्परेचर भी डाउन हो गया, इसलिए ये आपको बिल्कुल बॉडी लेवल के हिसाब से पानी नजर आ रहा है। ओके तो गाइस ये लोकेशन है, यहाँ पे आप कैंप भी कर सकते हो, बंगा पानी, और बंगा पानी के नाम से जगह है, मतकोट जाएंगे तब जोलजीवी से मतकोट मुंसियारी, तो लोकेशन आपको पता लग गया, तो आओ यहाँ पे स्विमिंग पूल का मजा लो और उसके बाद यहाँ पे कैंप करो और इंजॉय करो, बिल्कुल, और वहाँ पे वाटरफॉल का मजा भी लो, मजा भी लो। तो चले भैया, यस सर, अभी शाम का कुछ पता नहीं है क्या करने वाले हम लोग, तो ये तो आप वहीं पहुंच के पता लगेगा। क्या खूबसूरती है यार उत्तराखंड में भी, मजा आ गया, ओए होए लाजवाब। ओए होए लुक एट दिस यार, क्या मस्त है नज़ारा, क्या खूबसूरत जगह है भाई, और यहाँ लोग ही नहीं रहते, बस कुछ गिने चुने लोग ही हैं वो भी काम पे गए हुए हैं। ओए होए यार क्या जो नज़ारा यार, खूबसूरत। सो भाई लोगों कैसे लग रहे थे आपको नज़ारे, मज़ा आया? मुझे भी मज़ा आया नज़ारे दिखाते दिखाते, बट नज़ारे दिखाते दिखाते मैं आपको एक नज़ारा और दिखाता हूँ, ये देखो फाइनली निम्बस का पंचर हो गया, और शुक्र है कि पता है कहाँ हुआ, जहाँ पे पंचर वाली शॉप थी, अदरवाइज़ फिर अपने को मेहनत करनी पड़ती। तो मोनू भैया, अभी मोनू भैया सीख रहे हैं पंचर कैसे लगाते हैं। मैं एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि पंचर लगाने का सही तरीका क्या होता है, मेरे को भी पता चले कि आगे कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो कैसे जोड़ना है पंचर। सही बात है, क्योंकि आपके लिए तो ये आम बात हो चुकी है। हाँ सही बात है, मेरे लिए आम बात हो चुकी है। सो फाइनली पंचर लग गया, शुक्र है भगवान का,
वरना मुझे ही मेहनत करनी पड़ती। अगर ऊपर की तरफ कहीं हिली एरिया में हो जाता तो पंचर तो अपन फिक्स कर लेते, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यार अभी थके हुए हैं, पूरी रात की मैंने कैंपिंग वाला जो पूरी रात कैंपिंग की है और कंटेंट बनाया है बर्फ़ में। नॉर्मल वाला अगर कैंपिंग करता तो उसमें रिलैक्स मिल जाता है, बट कल वाले में मैं अच्छे से रिलैक्स नहीं कर पाया। ऑलराइट, सो हम चलते चलते रुक गए। रुकने का रीज़न है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको बोला जा रहा है पाला पाला पाला। तो मोनू भैया, पाला है कि बाला है? एक्चुअली मैं अभी ये सीरियस बात है तो ये है पाला, जिसको बोलते हैं ब्लैक आइस। तो okay. अभी मैं दिखाने वाला हूँ कि ब्लैक आइस एक्चुअल में होती क्या चीज़ है और उसमें गाड़ी कैसे लपक जाती है। तो मैं एक एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। प्लीज़ फिसल मत जाना, ये देखो ये पीछे आ गया। वो पे कोई गाड़ी पिचका देगी तेरे को। अरे चल। तो देखते हैं कि पाला क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पानी टाइप का और इसके अंदर हल्का सफेद सफेद भी दिख रहा है आपको। अच्छा, ये तो पूरी आइस जमी हुई है। हाँ, तो ये है सफेद बिल्कुल आइस। तो इसके ऊपर जब मैं आपको दिखाता हूँ एक्सप्लेन करके, थोड़ा दूर से देखना मेरे को वहाँ से, और मेरे को बूट देखना कैसे। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो आप पूरे स्किट हो रहे हो। और इसी तरीके से अगर हमारी गाड़ी जाती है तो पूरे में स्किट कर जाती है। इसमें तो ब्रेक भी नहीं लगेंगे। कुछ नहीं लगेगा, देखिए कुछ है ही नहीं। ये तो बहुत रिस्की है। और पूरे में ब्लैक आइस फैल रखी है अच्छे से। वो तो हम बच गए, हम स्लो थे ना। यस, तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अगर आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो बिल्कुल पैर और टायर बिल्कुल आराम से निकालनी है इस तरीके से गाड़ी को, वरना आपके साथ अगर ऐसा होने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जेसीबी की खुदाई हर जगह चल रही है उत्तराखंड में। तो जिन भाइयों के पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम है तो वो यहाँ आके जेसीबी की खुदाई देख सकते हैं। हर कोने कोने पे आपको जेसीबी खुदाई करते हुए दिख जाएगी। आराम से बैठते पहले। ओके, सो आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। जैसे जैसे मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, सच में बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रही है मुझे व्लॉग बनाने के लिए। सच में प्लीज़ आप ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ। और आई होप आपको अभी तक सारे व्लॉग पसंद आए होंगे। जो कमिंग व्लॉग्स हैं मैं उनमें भी एक छोटी सी भी मेहनत, मतलब मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो कोशिश रहेगी कि मैं फटाफट व्लॉग्स को अच्छे से कम्प्लीट करूँ। सो आज हम लोग आए हैं लोहा घाट और मोनू भैया। मोनू भैया आपका? हाँ, हो गया। चलें तो यहाँ क्यों आए? चल रहे हैं, जरा घूमते हैं, होटल्स तो ले लें। होटल ले लेते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग रही है। दिमाग खराब है आपका, होटल नहीं लेना है हमने। मतलब आज रात को घूमना है, जागना है। लोहा घाट नाम सुना है ना? पिछले तीन दिनों से मैं सो नहीं पा रहा, आज भी आप जगवाओगे क्यों? कहाँ पे लोहा घाट सुना है नाम? मैंने सुना है लोहा घाट, एवर्ट माउंट, हॉन्टेड प्लेस। ये वो तो नहीं है, एक चर्च जो उत्तराखंड में एक चर्च है और जो हॉन्टेड प्लेस के नाम से फेमस है, एबट माउंट हॉन्टेड प्लेस। आप वहाँ लेके आए हो? आज रात को हम यहीं पे रुकेंगे, रात भर जागना है हमें। मजाक कर रहे हैं, सुनो मैं रुकाऊं? नहीं कर रहा हूँ, सुनो मैं रुकाऊं और दिमाग इनका खराब हो गया है। आप चल लो ना यार। ठीक है, आ जाओ, मैं चल रहा। माना कैंपिंग करता हूँ, मेरे को डर कम लगता है। मतलब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि एक तो होता है कि शेर का आ जाना सामने, और एक होता है कि ये तो सच में ही निकल गए यार। एक तो होता है कि शेर का आ जाना और एक होता है शेर के मुंह में जाना। ये तो इन्होंने तो वो वाली बात कर दी है। सो क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ? क्योंकि हम लोग फ्रीली घूम रहे हैं, जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकता है, बट मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। चलो यार चलते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, ये अबाउट माउंट 3 किलोमीटर है क्या यहाँ से? चलो मैं पहले इनके पास पहुँचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ।